we have just landed from our tour. We start going to, so stay tuned with us. आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं. Alright, अब हम आपको दिखाते हैं कि फैसल भाई जो हैं वो किस तरह से मेकअप करते हैं. Guys, हम लोग अभी ग्लोबल विलेज आए हैं और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है हमारा. ये हमारा फर्स्ट टूर है दुबई का एंड वी आर एंजॉयिंग इट. आमिर भाई भी हैं, ये हमारी आर्टिस्टिक टीम है. बहुत एनर्जेटिक माशाल्लाह से ये, इनकी आप फेस से भी देख सकते हैं और इनकी जो काम है वो भी बहुत एनर्जेटिक माशाल्लाह. अच्छा, अभी हम लोग ग्लोबल विलेज आए हुए थे और मजे की बात है यहाँ पे हमें काफी सारे हमारे फैंस और जानने वाले मिल गए जो हमारी वीडियोस देखते हैं. बहुत अच्छा लगा. हम इनसे पता करते हैं कि इनको हमारी वीडियोस लगती कैसे हैं. सर प्लीज. बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के और जितना हो सके और ज्यादा बनाए और जो मैसेजेस आप देते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. और माशाल्लाह बेटी बहुत प्यारी है. बेटा है भाई. अस्सलाम वालेकुम. हम लोग मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं और न्यू ईयर की तैयारी के लिए थोड़ा पहले निकलना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग मेट्रो से जाएंगे. और आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त इन्होंने मेट्रो स्टेशन बनाया. और फिर मिलते हैं. हम लोग आ गए हैं मरीना वॉक पे. ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है पीछे का, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त. हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको पता चला होगा. बहुत हम लोग आ चुके हैं बुर्जुल खलीफा पे न्यू ईयर मनाने हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था. दो घंटे की मेहनत के बाद हम लोग अंदर घुस पाए. आप लोगों को दिखाते हैं, अभी फायरवर्क्स भी स्टार्ट होने वाले हैं. इस तरह कुछ व्यू है. जब फायरवर्क्स होंगे आगे जाके मिलते हैं आपसे. अभी हम लोग मौजूद हैं बुर्जुल खलीफा पे जहाँ पे हमने न्यू ईयर इन्जॉय किया. बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क्स हो और यहाँ पे बहुत सारे हमारे जानने वाले फैंस भी हमें मिले. सर आपका नाम? हसीब नाम है इनका. आप कौन सी सिटी से हैं? लाहौर से हैं. और आप कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं? कैसी लगती हैं आपको? और आपको अभी न्यू ईयर कैसा लगा? चलो थैंक यू सो मच सर. आज हमारा तीसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं डेजर्ट सफारी. और कल न्यू ईयर की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जिसमें भी काफ़ी दर्द है, नींद भी पूरी नहीं हुई. लेकिन यहाँ पे न्यू ईयर का ये सीन है कि होता तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन उसके बाद जो होता है रात भर 4-5 बजे तक ट्रैफिक बंद होता है, रोड्स काफ़ी सारी बंद होती हैं. अच्छा, मैं कुछ और सुन. अच्छा. और हमारी गाड़ी के टायर अभी डेजर्ट सफारी की जो है मिट्टी में स्टक हो गए हैं, तो ये शुरता जो है ये हमारी हेल्प कर रहे हैं. दे आर हेल्पफुल पीपल. हमारी गाड़ी आ चुकी है जिसमें हम डेजर्ट सफारी करेंगे. और ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी है. लेट्स सी क्या होता है. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Hello. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पीछे बाइक्स हैं, बाइक राइड्स हैं और डेजर्ट सफारी में हमें बहुत मज़ा आ रहा है. अमेजिंग जगह है, हम लोगों के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है. बड़ा ज़बरदस्त है ये. जरा एक व्यू लीजिए 360 आप लोग. हम लोग जा रहे हैं अपने कैंप लामा के नाम से. यहाँ हमने कैंप बुक करवाया है और वहाँ होगा जो भी सीन होता है, तो फिर लामा में मिलते हैं.
सफारी से वापसी हो चुकी है, फुल मिट्टी मिट्टी हो के, और हमारे यहाँ होती है बिल्ली और यहाँ पे एक होती है फिल्ली, जहाँ की ज़ाफ़रानी चाय बहुत मशहूर है। तो अभी हम लोग फिल्ली में चाय पीने बैठे हुए हैं, थोड़ा रिलैक्स करने, चिल करने। आप लोग ये देखें, हम लोग दुबई मॉल में आ गए और आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक्वेरियम है। अभी हम लोग आए हैं वॉक सिनेमाज में मूवी देखने। आज हमारा लास्ट नाइट है ये दुबई में। कौन सी मूवी देखना है हम? अरे मेडल तो अपनी छोरी भी ले सके दंगल, क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, क्या करें, आमिर खान पसंद है। अब फजूल कमेंट नहीं करना, सही है ना, देखना है देखने तो सुकून से। और हमारा सफर अब इख्तिताम को पहुंचता है, अलाउड नहीं है। There's no sun up in the sky, don't know why. There's no sun up in the sky, don't know why. Hi guys, I hope आप लोगों को हमारा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा, कराची से दुबई तक का सफ़र। और हम लोग यार ट्रिप्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और बहुत ज़बरदस्त टूर मैनेज किया हर लिहाज से। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मेमोरीज़ हमारी टीम को आपके साथ गुजारने को मिली। और ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड लविंग अस। थैंक यू। There's no sun up in the sky.